छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा महंगाई को लेकर दिए बयान पर कहा कि 2004 से 2014 तक उस एक दशक की कांग्रेस सरकार में हुई महंगाई को देश भूला नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में किसानों को कम कीमत में यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है और 40 करोड़ से अधिक लोग गरीब रेखा से ऊपर उठे हैं। ये केंद्र सरकार की आर्थिक प्रबंधन नीति का परिणाम है। महंगाई मनमोहन सिंह की सरकार को ये भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार हिंदुस्तान में रही, प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री 4 से 14, और उस कार्यकाल में जिस प्रकार की महंगाई बढ़ी और जिस प्रकार के किसानों के लिए खाद और बीज की कीमत में वृद्धि हुई, आज मोदी जी यूरिया और सुपर फॉस्फेट के रेट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कम कीमत में देने का प्रयास कर रहे हैं। पेट्रोलियम को दूसरे अन्य राज्यों के देशों की तुलना में कम से कम सुविधा अनुसार देने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ जो एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तेजी से हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये एक बेसिक बड़ा काम फंड का फ्लो हो रहा है। किसानों को 6,000 रूपये मिल रहा है, बैंक के खाते खुल रहे हैं, तो गरीबों के जीवन में सुधार और परिवर्तन लाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल हुआ है और आगे 5 साल की तैयारी।